साल 1820 में आज के ही दिन प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री व स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बिसिंगहा गांव में हुआ था। वो गरीबों और दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया। साल 1960 में आज के ही दिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच पहली टेलीविजन बहस शिकागो में हुई, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रिचर्ड एम निक्सन और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी आमने सामने थे। साल 1973 में आज के ही दिन सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड यात्री हवाई जहाज ने अटलांटिक की यात्रा को रिकॉर्ड समय में यानी महज 3 घंटा 32 मिनट में पूरा किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से उड़े इस हवाई जहाज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस तक की यात्रा की थी। साल 1977 में आज के ही दिन भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक उदय शंकर का निधन कोलकाता में हुआ था। उदय शंकर ने आधुनिक भारतीय नृत्य की नींव रखी और बाद में 1920 और 1930 के दशक में उसे भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय बनाया। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।